पुष्पांजलि पुष्पांजलि बहुत सुंदर नाम माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। पूजा रानी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक्चुअली मु कल क्लास मिस कर दे छी, मो देह बल नथला त मु मिस कर दे छी, मु किछ भी जानि। माता जी कोनोसी प्रॉब्लम नै माता जी, आपण एबे देह ठीक अछि माता जी, आपण शरीर ध्यान नियंत्रण कर आ सेमती जे के बहुत लागे क्लास करबे पुनी आसी। अच्छा माता जी, मु से जो रेकॉर्डिंग हो छी सेटा कोन मु पुनी पछे चाहले देखि परिबे? आज्ञा माता जी, मु आपण चाहिले मु मंदिर जो सिमोली माता जी हमर कोऑर्डिनेट करचोंदी, से रेकॉर्डिंग करचोंदी, मु आपण को रेकॉर्डिंग सेंड कर देबी। आज्ञा धन्यवाद मैडम, मु काले बहुत क्लास मिस कर दे छी, मते बहुत मन दुख भी हो छी। बहुत माता जी एते आपण श्रद्धा आपण को श्रवण भई बहुत खुशी लागु छी सुनी। आज्ञा बहुत धन्यवाद माता जी। आज्ञा धन्य प्रसाद प्रभु, आपण किसी कहिबे? सरस्वती माता जी, Redmi Note 9, निहारंजन प्रभु, पृष्टि अभिषेक प्रभु, आपण किसी कहिबे? शरद कुमार साहू प्रभु, आपण किसी कहिबे? हरिवर प्रभु अनम्यूट करंतु प्रभु जी, आपण को म्यूटेड म्यूट अछि। आज्ञा हरे कृष्ण माता जी, हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुहंतु प्रभु। आवाज आसी की? आपण काली क्लास रे कोन पॉइंट आपण को भल लागला, कोन नोट करछन किछि कहिबे प्रभु? ना ना माता जी, आवाज आसी ता प्रभु? हो आपण को क्लियर आसछु, आवाज क्लियर आसछु प्रभु। ना मु काली प्रहर दिन सेम किछि कहुतली, काई मु कहुतली किंतु आपण रिस्पोंड करेली, मते लागुतला कि कोन कनेक्शन प्राइमर लो थी बापू, मते सुना जाइनी, सॉरी प्रभु। माने काली मते गुटी कथा बहुत भल लागला, जे निजे को कर्ता केबे हेले भी भाबी गलो, निजे को कर्म करिवार अछि, एवं कर्म करि फल आशा केबे करबेनी, फल भगवान दे। हरि बोल, बहुत सुंदर ते कथा होछि। आमर जो आमे जो कार्य करूछु, आत्मा परमात्मा प्रकृति, आत्मा इच्छा करि थाए, परमात्मा अनुमति दे थाए, एवं प्रकृति सहायता करे। वेरी नाइस प्रभु, बहुत सुंदर आपण नोट करछन बहुत। हां नोट कर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। काली के ट्रैफिक जाम थिला। हेलो माता जी, काली एक्चुअली मोर ऑफिस आउट सिकंदराबाद, बेगमपुर रु देखते भिड़ रहउछि, निकाली आसीकरी 7:40 रे जाइते हला। आज मोर एक मीटिंग थिला 6:00 बजे, मु मीटिंग कैंसिल करी काली सकाळ पर रखली, मोर क्लास खत्म करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपण एते मीटिंग के संगे संगे आसी गाधे पादे बस आराम कर छी। अखरो मुटी 108 माड़ा करे संध्या बड़ सकाळ हरमन चल सब 108 माड़ा करी गीता पढ़े, किन गीता पढ़ोनी आउ टाइम होनी, किन गीता मरे एक पठाउ। आपण कर बहुत मनोबल बहुत दृढ़ इंटरेस्टेड, आपण मीटिंग भी कैंसिल करी भगवदीता क्लास भगवान को कथा सुनिया पई आपण कर इच्छा, निश्चय एमिति समय से भगवान आपण को समय ही बार करबे, आपण गीता पढ़ी परबे, श्रवण करी परबे, जप करी परबे, को पास भगवान को पास प्रार्थना कर। आगु 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 ते आगु ते बड़ कथा कहि लता जी, हमरो 15 तारीख रे सनातनदर कीर्तन थिला। एक्चुअली मु सारंग प्रभु को, सारंग प्रभु ग्रुप ऑफ स्वास्थ्य जगत कीर्तन करिया पई, मु सारंग प्रभु को कहले, प्रभु जी मु गीता तो पढ़ु छी किंतु मु के गीता पर ज्ञान लाभ पई चाहू, तो सी मते कहले ऑनलाइन करि परिबो करि परिबो। ता पर पते सुनील राठी जी को फोन आसला, सुनील प्रभु को कि गौरव पूर्णिमा से आपन आसु, मागुरु एक्चुअली महासंत दास मु आगु बहुत आगु जानी छी, रथ यात्रा करथले सिकंदराबाद रे, हम इन्वॉल्व थिलु, हमर सनत नगर रा बहुत बड़ एसोसिएशन अछि, प्राय 18-19 वर्ष लाने में अष्टम जारी करू। महासंघ दास प्रभु जी आसन देथि, लेकिन त 3-4 तरुण आसन जाओ, माने देखंतु अनुभूत रे जगन्नाथ जाओ कोन कि आपण को दृढ़ इच्छा प्रभु सेति पई भगवान गौरव पूर्णिमा रे जाई पहुंचली, पहुंचला पर अनाउंस हला, हम जाई पहुंच त 5 मिनट पर अनाउंस हला कि काली थारु ओडिया रे भगवत गीता रे केन दिया दिबो, त आपण मन रेस्पेक्ट करंतु। बंदीटा माता भी अच्छा लाइन अच्छा जानी, सी मत बहुत सहाय कर
चैतन्य प्रसाद प्रभु अभिषेक प्रभु शाश्वती माता जी Redmi Note 9 हरे कृष्ण प्रभु आपण किछि कहिबे आपण गोटे पॉइंट हेले भी चेष्टा करू आज्ञा प्रभु हम गद्दा जॉइन करना चली ओके प्रभु ठीक अछि आपण किछि आपण आज क्लास न तो काली कहबा पई चेष्टा करियो प्रभु थैंक यू प्रभु जी तो आज हमे चर्चा करबा देखो आज जो षष्ठ अध्याय एक्चुअली हमरो बहुत टिके आपण को हार्ड लागि पारिबो बुझिबा पई टिके हार्ड रहइबो तो जेहेतु या बुझिबा पई आमको पडिबो त आपनको शॉर्ट शॉर्ट नोट भी आपण करि पारंती जहा द्वारा आपण बुझि पारिबे नले एतरे बहुत कन्फ्यूजन होई पारे आपनको त आपण ध्यान पूर्वक सुनंतु एवं गोटे गोटे पॉइंट नोट करंतु तो आज जो ए ध्यान जोग रे भगवान कहउचंती जे जेते बेले अर्जुन कहउचंती भगवान मु मोर आत्मीय स्वजन को मु हत्या करि पारिबि नाही मु कोन जंगल को जाई तपस्या करिबी किंबा भिक्षावृत्ति करि जीवन जापन करिबी किंतु मु घर युद्ध रे करिबी नाही एवं मते मोर पाप आचरण मु एपरि करिबी नाही सेठारे भगवान ताकु जणे सन्यासी किए प्रकृत सन्यासी किए प्रकृत योगी किए भगवान एठारे एई षष्ठ अध्याय रे विस्तार भाव रे वर्णना करछन्ति अर्जुन को पाखरे जी फर्स्ट श्लोक अछि देखंतु श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करति जो सन्यास च योगी च न निरग्नि चाक्रिय अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय श्री भगवान कहिले जे तार कर्म फल प्रति अनासक्त एवं जे तार कर्तव्य कर्म करे से सन्यासी अटे एवं प्रकृत रे जणे योगी अटे से निरग्नि अटे किंबा कर्तव्य कर्म करे नाही से सन्यासी नुहे किंबा योगी नुहे देख अर्जुन भगवान अर्जुन को कहउछन हे अर्जुन तमे जणे योगी बनि जाओ जेते बेले भगवान अर्जुन को योगी कहिबे सपोज मु आपण को कहिबे आपण कालीठो योगी बनि जांतु तो आपण को मन रे गोटे कल्पना आसीबो जे योगी किए तेणु अर्जुन को मन रे एबे कल्पना आसिला जे योगी बनिबा पई हेले फास्ट मते कोनो जे कोन करिया पई पडियो एकांत जागा रे रहिबा पई पडियो किबा गुंफा रे रहिबा पई पडियो कि माने ध्यान करिया पई पडियो मुर्ग चर्म धारण करिया पई कंदमूल खाइया पई पडियो मतलब से गुडे इमेजिन करचोती जे योगी हेले कोन करिया पई पडियो से पुनी कहउचंती हे कृष्ण हे सखा तमे मते पुनी कहुजो जे युद्ध कर पुनी कहुजो योगी बनि जाओ क्या किपरि संभव आपण सबळे दुईटा कथा काही के कहउचंती देखंतु से गुरु बोली स्वीकार करचंती टॉपिक हेउची ध्यान योग षष्ठ अध्याय ध्यान योग आज आमे ध्यान योग विषय रे षष्ठ अध्याय चर्चा करूचे जहा प्रभु जी को क्वेश्चन थिला आज रो टॉपिक कोन आज रो टॉपिक हेउची ध्यान योग एवं षष्ठ अध्याय आपण पारे जदि भगवतीता अछि प्लीज आपण भगवतीता जदि आपण फॉलो करिवे तो जानी पारिबे जे आमे कोन आलोचना करछे पुनी आपण को आहुरी डिटेल्स के बहुत सुंदर भाव रे जणा पडिबो अनुवाद रे शिल प्रभुपाद जी कोन लेखि छथि जदि आपण कोन प्रभु जी जो फंक्शन म खाली रे क्लास कोन छथि खाली एक्शन छले सॉरी प्रभु जी आपण के वॉइस क्लियर होनी खाली खाली थला कर्म जो गतकल सर कर्म जो कर्म जोग कृष्ण चेतना रे जो कर्म किपरि करबा कर्म जोग विषय रे आमे पंचम अध्याय रे चर्चा करथिले आज आमे षष्ठ अध्याय रे ध्यान जोग विषय रे चर्चा करे अर्थात रेकॉर्डिंग गुडा सेंड करि रसुल ना कोथले ओके सिमली माता जी को सहित कथा होई जेबी सिमली माता जी आपन को रेकॉर्डिंग सेंड कर देबे थैंक यू गुरु जी रेकॉर्डिंग YouTube
तो आपको रेकॉर्डिंग भी मिल जाव तो पुणी तो अर्जुन कहते आपण मत युद्ध करने कहते पुणी योगी बनवाप कहते आपड़ दुईटी कथ कहीं कहते तो देखो अर्जुन एठार भगवान कृष्ण को गुरु रूपे स्वीकार करते जो मित्रता भाव जितने आम संवाद वार्तालाप करता माताजी आप गोटे कथा कहतु से भगवान कृष्ण कौन को अर्जुन कहते आप गोटे कथा कहतु मु योगी हेबी ना युद्ध करी आपड़ मत निश्चित भाव कहतु से भगवान कृष्ण फास्ट नंबर श्लोक कहते हे अर्जुन तुम्हें जो योगी योगी बनी जाओ तो जिते योगी बनवाई कहते से भगवान कृष्ण अर्जुन रो चिंताधारा मनर जो इमाजिन करते योगी किपरी पारे से जानी पारे से जेहेतु परमात्मा रूप समस्त हृदय अच्छा आम कौन चिंता कर भगवान जानी था तो भगवान जानी पारे जे अर्जुन जन योगी विषय कौन इमाजिन कर तो सेते से कहते ष्ठ अध्याय विस्तार भाव में जो प्रकृत योगी किए भगवान कहते से देखो जदि आम भगवत गीता पाठ न करते वास्तविक आम जान पार नाते प्रकृत जन योगी किए जन सन्यासी किए आम साधारण जदि आम कह योगी नाम जिते धरी थारु कि जन सन्यासी नाम धरी था तो आमको कौन इमाजिन आसता है माइंड रे फास्ट कौन इमाजिन आसता है जे सी निश्चय गेरुआ कपड़ा पिंधे निजर जॉब छाड़ देते कि निजर गृह त्याग कर देते जंगल रोते कि भिक्षा वृत्ति करुवे कि ध्यान पूर्वक बसी रोते भगवान केवल नाम नौ जंगल सपोज यही सब माइंड आसे देखते जदि आम भगवत गीतार आश्रय नई था आज कौन आम जान पार निष्काम कर्म कौन आम जान पार जे निष्काम कर्म जो भगवान ठारे आलोचना कले बारंबार भगवान कौन टॉपिक निष्काम कर्म उपरे जोर दौरान कौन पाई कारण जड़े सन्यासी भी निष्काम कर्म योगी होता है जड़े योगी निष्काम कर्म योगी होता है दु जन सारा निष्काम कर्म योगी होता कारण निष्काम कर्म आमको कौन होता है आम कर्मफल को त्याग करमें कर्म कर्मफल आशा न रखी कर्म कर देखंतु सन्यासी जदि मु सन्यासी शब्द कहिबी आपनको कोन माइंड रे कोन इमाजिन आसुची मु जहा कहिले सेति के इमाजिन आसुची ना कोन होइ पारे वास्तविक सन्यासी किए केवल गेरुआ वस्त्र पिंधिथिबो किमा निजर जॉब करनथिबो निजर गृह त्याग कर देथिबो केवल जंगल रे जाई तपस्या करथिबो आपनको कोन लागुची इमाजिन कोन लागु जने सन्यासी केमिति होइथिबो आमे सपोज भगवत गीता आज पाठ करुचे आमको भगवत गीता आम जीवन लाइफ रे न थांता तो आम इमाजिन कौन होता जो सन्यासी किए होता आप गेस कर वास्तविक सन्यासी किए ट्राए कर ठीक अच्छे भूल हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जे माने माने एक्चुअली कृष्ण भक्ति कर सन्यासी कह कौन हरे कृष्ण माताजी आम सन्यासी कहवा जी की पद्म पत्र पानी पकेले से जमती संसार भितर रही कि ना भी से माने संसारी हो नथिबे सब जिन निष्काम बहुत सुंदर माताजी बहुत सुंदर से अनासक्त होइथांती जणे सन्यासी अर्थ से अनासक्त अर्थात कर्मफल प्रति कौनसी आसक्ति नाही तापर जदि आम देखा सन्यासी एवं योगी भितर एवं कंपेयर होना सन्यासी किए योगी किए आमको बुझे आज देखो तो पूरा थियोरिटेल थोड़ा प्राक्टिकल टाइप जदि न बुझा गोटे गोटे वर्ड बहुत कष्ट लगे आमको बुझाप अष्टांग जग विषय तो आप प्लीज ध्यान पूर्वक श्रवण करूँ तो ट्राए करूँ कह कि आप जो बुझी भी न पारती आप पचारि पारे तो योगी किए प्रथम आम सन्यासी किए जान लें जे अनासक्त अर्थात माता जी सुंदर कले पद्म फूल भगवान उदाहरण देते भौतिक जगत में रही से कर्म फल प्रति आसक्त हो ना तो योगी किए योगर अर्थ कौन योगर अर्थ आपल योग शब्द अर्थ कौन किए कह आपण शब्द अर्थ कौन हरे कृष्ण हरी बोल वेरी नाइस प्रभु थैंक यू माताजी थैंक यू प्रभु जी तो योगी रो अर्थ कौन जोड़ीबा तो जोड़ी
यज्ञ अर्थ हूँ जोड़ा अर्थात भगवान सहित संबंध जोड़ा सी भगवान सहित संबंध जोड़ी सी हूँ यज्ञी एवं से निजर मन को नियंत्रण कर अर्थात जदि आम भगवान सहित संबंध जोड़ा तो आम मन निश्चय भाव नियंत्रण तेणु जी निजर मन को नियंत्रण कर भगवान सहित संबंध जोड़ी था सी किए हेले योगी जे सन्यासी किए हेले जी अनासक्त निजर कर्मफल प्रति कौन आसक्ति ना एवं दुईटी क्लीयर है योगी किए सन्यासी किए ना तो आम माइंड जो इमाजिन था भगवत गीता पढ़ा आगर कौन थी से गेरुआ वस्त्र केवल कपड़ा को देख ये सन्यासी नाई ओनली कपड़ा को देख आम सन्यासी कहवा ना आम को प्रथम कौन जपरी आपड़ी ज्वेलरी किनवाई जाऊँगी सोना दुकान को आपण कौन जेको सोना दुकान सोना किणवे नाई आपण को कौन विश्वास रहा दरकार जे यही ज्वेलरी दुकान को गले ज्वेलरी शॉप को गले जे मते ओरिजिनल अर्थात 24 कैरेट्स रो सोना मिलबो तो एपरी अन्वेषण कर अर्थात तदारक करथांती जे प्योर ना भेज ठीक से हीपरी सन्यासी देखंतु आमे केवल गेरुआ कपड़ा को वस्त्र को देखी आमे कहिबा नै से सन्यासी कारण एबे जुगर आमे देखु जे बहुत भंड सन्यासी थांती ओनली कपड़ा को देखी आमे सन्यासी कहिबा नै जे निजर कर्मफल को त्याग करिथांती कर्मफल प्रति आसक्त होइ नथांती से ही प्रकृत रे सन्यासी तो पुणी अर्जुन कहिले जे आमे कौन कृष्ण जदि एपरी कथा ताहले लोके हाँ अर्जुन मन में पुणी प्रश्न आसुच ठीक अच्छे भगवान आपण कहते जे निष्काम कर्मी सी सन्यासी सी भी योगी सन्यासी योगी दुई जन सेम समान ठीक अच्छे ताले आपण कहते जो मैंने निष्काम कर्म करथांती से माने सन्यासी जे मैंने निष्काम कर्म करता से माने योगी तो लोके माने काहेकि सन्यासी सन्यासी आश्रम ग्रहण करथांती माय अर्जुन को माइंड रे प्रश्न आसुचे जे लोके माने काहेकि सन्यास ग्रहण करथांती देखंतु सन्यास होउची गोटे आश्रम जेमिति आमे चारोटी आश्रम थाए फास्ट ग्रहण आपण कहारी को जणा आछि जो चारोटी आश्रम विषय रे चारोटी आश्रम कौन फास्ट ब्रह्मचारी आश्रम आपन को गोटे क्लू देली आ के कहिबे वन वन समस्त चांस ओके वानप्रस्थ वानप्रस्थ ओके थैंक यू माताजी आ के कहिबे आ कोन आश्रम गृहस्थ वानप्रस्थ ओके गृहस्थ सन्यासी आ गोटे सन्यासी वेरी नाइस माताजी तो फास्ट ब्रह्मचारी आश्रम तापरे गृहस्थ आश्रम तापरे वानप्रस्थ आश्रम तापरे सन्यास आश्रम तो देखो आश्रम जी आश्रय प्रदान करी थांती प्लीज आपण हरे कृष्ण पूजा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ तो ए चारोटी आश्रम आश्रम रो अर्थ कोनो जे आश्रय प्रदान करी थांती अर्थात एमिति आमे चारोटी देखंतु स्तर देखि ताको विभाग करथाय आम बाल्य अवस्था रे जो 25 वर्ष पर्यंत अर्थात स्टडी लाइफ आमे जो पाठ पढिता एहा कोनो ब्रह्मचारी आश्रम पुणे 25 रु 25 रु 50 पर्यंत कोण सेटा हूँ गृहस्थ आश्रम अर्थात आम बहुत जो कर गृहस्थ लाइफ रे रही था अर्थात 25 रु 50 ये हूँ कौन गृहस्थ आश्रम पुणी 50 रु 75 ये कौन वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम रो अर्थ कौन आम गृह रही वानप्रस्थ को पालन कर ना तो वानप्रस्थ रो तो जो जंगल को जाए भगवान तपस्या करवा ना कली युग जेहेतु संभव नुहे आपण घरे रही केन्द्र रे कौन रखिया पाई भगवान कृष्ण को रखिया पाई पड़ेगा आपण भगवान कृष्ण को पाई ए भौतिक आसक्ति को धीरे धीरे कम करी 75 एज को धीरे धीरे भौतिक आसक्ति कम करी आध्यात्मिक आग को प्रगति करिवे एवं तापरे कौन सन्यास आश्रम जो 75 रु 100 कौन जी पूरा भौतिक आसक्ति को दूर कर आध्यात्मिक आसक्ति रुचि रही था किंतु एक कलि युग देखो मनुष्य अल्प बहुत अल्प आयुष आम 100 वर्ष पर्यंत बचा बोली कौन सी भी ग्यारंटी ना तो बर्तमान कौन यही बाल्य अवस्था आमको कौन ये आश्रम रालन करता है केन्द्र रे कृष्ण को रखीदेवार अच्छी बास
ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ ଥାଉ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ତ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହରିବଲ ଭଗବାନ କଣ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କଣ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଗୁରୁକୁଳରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତର ସବୁ ଶିଖା ଯାଉଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ ଟାଇମ 0 to 25 ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ 25 ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ। ତ 4ଟି ଆଶ୍ରମ କଥା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ଭଲ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଆଶ୍ରମ ଭଲ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ଖରାପ କି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଭଲ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ଭଲ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ଖରାପ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଭଲ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲେଭୁଲ ଅନୁସାରେ, ଆମର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ଯୋଉ ଯାହାର ଯେପରି ସ୍ତର ସେହିପରି ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନ୍, ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନ୍ରେ, ଆଉ ଜଣେ ପଢୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫାଇଭରେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନ୍ର ଯୋଉ ପାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନ୍ ପିଲା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫାଇଭର ଯୋଉ ପାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫାଇଭର ପିଲା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଲେବୁଲ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମ ସେହିପରି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛେ ଠିକ ଅଛି, ତାହା ବେଟର। ଆମେ ଯଦି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛେ ତା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ, ଯଦି ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛେ ତା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। ଅର୍ଥାତ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ଆମର ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଟା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲା, ଗୃହସ୍ଥଟା ସାଂସାରିକରେ ଗଲା, ତାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥଟା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାତାଜୀ ଯୋଉ ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 50 ଏଜ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ମାତାଜୀ, ସେମାନେ କଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଇଚ୍ଛା, ଗୃହସ୍ଥ ଲାଇଫ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ସେଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗକୁ ସେମାନେ କମେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କମେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥୋଡା ବୟସ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଗାଁରେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ତ ପୁଣି ତ ଆମ ଲାଇଫରେ ଗୋଲ ହବା କଣ ଦରକାର, ଆମ ଲାଇଫରେ କଣ ଏମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ନା ଗୃହସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ନା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା, ଆମ ଲାଇଫର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ 4ଟି ଆଶ୍ରୟର ଆଶ୍ରମର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତିମ ରହିବା ନା ଉପରକୁ, ଉପର ଉଠା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କାରଣ ଏଇ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ହିଁ ଆମେ କର୍ମଫଳକୁ, ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳକୁ ଓନ୍ଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ତ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି ଆମ ଲାଇଫରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତ ଯେଉଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିଥାଉ କଣ, ବହୁତ ସାପୋଜ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତ ଭଗବତ ଗୀତା କଣ ଶିଖଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି, ନା ତ ସେଠାରେ ରହିଯିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ପୁଣି 6.3ରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରୁ ରୁକ୍ଷ ମୁନେ ଏବଂ କର୍ମ କାରଣ ମୁଚ୍ୟତେ ୟୋଗାରୂଢ଼ସ୍ୟ ତସ୍ୟୈବ ସମ କାରଣ ମୁଚ୍ୟତେ। ଅନୁବାଦ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପନ୍ଦରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହା ପାଇଁ କର୍ମ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ଏବଂ ଯେ ଯୋଗାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେଉଁ ଯୋଗର 2ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ କଣ ୟୋଗା ରୁରୁକ୍ଷୁ, ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ୟୋଗର 2ଟି ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟେଜ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ କଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୟୋଗା ରୁରୁକ୍ଷୁ, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଯାହା ତାହା ନାମ ହଉଛି ୟୋଗା ରୁଢ଼।
ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୋଗା ରୁରୁକ୍ ଏବଂ ଆମେ ୟୋଗା ରୁରୁକ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ୟୋଗା ରୁଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଉଚିତ। ଏ ହେଉଛି କଣ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଗୋଟେ ସିଡ଼ିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଟେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ୟୋଗାରୁ ୟମ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ବି ଯଦି ଆପଣ ୟମ ନିୟମ, ଥାର୍ଡ ଆସନ, ଫୋର୍ ପ୍ରାଣାୟମ, ଫାଇଭ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସିକ୍ସ ଧ୍ୟାନ, ସେଭେନ୍ ଧାରଣା, ଏଇଟ୍ ସମାଧି। ଏଇ ଆଠଟି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟମ, ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ, ଥାର୍ଡ ଆସନ, ଫୋର୍ ପ୍ରାଣାୟମ, ଫାଇଭ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସିକ୍ସ ଧ୍ୟାନ, ସେଭେନ୍ ଧାରଣା, ଏଇଟ୍ ସମାଧି। ତ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସମାଧି, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବଂ ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର କୁ ଉଡିବା ପାଇଁ ପଡେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ କୁ ଉଡିବାକୁ ହେଲେ, ସେ କଣ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାରିବି ସେଇଠି ଉଡିବି? ନାଇଁ, କଣ ଯୋଉ ରନୱେ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ କଣ ଲଞ୍ଚିଂ ବେଡ୍, ଯୋଉ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଉଡିଥାଏ ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଇଠି ସେ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା, ତ ସେ ନିଜ ସ୍ୱତ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଉଠି ପାରିଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତ ସେଠାରେ ତାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଠିକ ଯୋଗା ଯୋଉ ୟୋଗ ରୁରୁକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ୟମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟମ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ପରେ କଣ ଏଇ ଯୋଗ ବିଧିର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଯୋଗର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି, ତାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି କେବଳ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ପରେ, ୟମ ନିୟମ ଆସନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ପରେ ସେ ଯୋଗର ରାସ୍ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପରେ ସେ ସମାଧିକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସମାଧି ସ୍ତରରେ ଏଇ ସାତଟି ମାର୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, ତା ଆଗରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାର କିମ୍ବା ତଳକୁ ଆସିପାର। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ରୋଲ ବହୁତ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ, ଏଇ ମନ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମନ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇ ମନ କେତେବେଳେ ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ସାପୋଜ୍ ମତେ ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ମତେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର? ଗେସ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ମନ କବଳରେ ଆମେ ମନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଉ, ମନ ସେତେବେଳେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ କରିକି ବି କହିପାରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାତାଜୀ ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ ପାଇଁ ମୋର ମିଟିଂ କ୍ୟାନସେଲ କଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନକୁ ସେଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମ ମନ ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର? ପ୍ଲିଜ ଆନ୍ସର କରନ୍ତୁ। ମିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ ଶତ୍ରୁ ବି ହେଉଛି, ଏଇ ମନ ମିତ୍ର ବି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମନ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ ସିଏ ସେତେବେଳେ ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆହାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଇ ଯେ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବା, ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ଏଇ ମନ, ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପାଇଁ, ଏଇ ମନ ଉପରେ ଆମର କାବୁ ନାହିଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆମର ଲାଇଫ ପଟେ ପାଣି ଫୋଟକା ପଡି କେତେବେଳେ ମିଳେଇଯିବ ଆମକୁ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ ଆମ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନାଇଁ ମାତାଜୀ କଣ କରିବି, ଅଫିସ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଅଛି, କାମ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ହଉନି ମାତାଜୀ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ମାତାଜୀ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ରହୁଛି।
এই মোবাইল পাই আজি পিলা মানে দেখন্তু পুরা পাগল ভলি ঘরকু কি আসুচি ঘরে তার বাবা আসলেনি কো অফিস রু তাকু কিছি জানা নাই এই মোবাইল পাই কারণ মন উপরে কাবু নাই এই মোবাইল পাই যে ভাতিয়া সমাজে দেখা হচ্ছে এই মোবাইল পাই বেশি কারণ মন উপরে কন্ট্রোল নাই এই মোবাইল পাই দেখন্তু আম গৃহস্থ জীবনরে দেখিবা জনে পতি এবং পত্নীর সম্বন্ধর মধুরতা নাই পত্নী গোটে সাইড রে মোবাইল পতি গোটে সাইড রে মোবাইল যে আগর পূর্বতন যুগরে আমি দেখুলে জনে পতি যেতলে অফিস রু আসুলে পত্নী কোন তাকু সেতিরে বহুত হেল্প করুলে বহুত সুন্দর আসি পৌঁছলে গোটে স্মাইল লাগে আপু কোন হেলা দিন সারা কোন ঘরর কিছু প্রবলেম কি পিলা মানঙ্কর অর্থাৎ দুই জনক ভিতরে সুন্দর মধুর বার্তা হউতলা যে যা দিনরে কাজ করুলে রাতিরে সুন্দর বার্তা বি হউতলা তাকু মধুর সম্বন্ধ প্রত্যেক কি অন্য নিজর ঘরর সদস্যক সহিত কথাবার্তা নাই ঘরে পাঁচ জন পাঁচটি মোবাইল যে যা কে ফেসবুক কে ইউটিউব কে টিকটক কে কোন বহুত কাহা পাখরে কাহা পাই সময় নাই কোন পাই এই আন ক আন কন্ট্রোল মাইন্ড আমার মাইন্ড উপরে আমার নিয়ন্ত্রণ নাই আমি ভাবুছি জিনায়ে বহুত কম দিন নাই আমি ভাবু না লং টাইম অছি ভক্তি করিয়া পাই এনজয় ইয়োর সেলফ প্রথমে এবে এনজয় কর মোবাইল এনজয় কোন কোন পাই কিন্তু আমি টাইম ওয়েস্ট করুছে এই প্রহ্লাদ মহারাজ কোনছন্তি যে বাল্য অবস্থারু আমাকে ভক্তি স্টার্ট করিবার অছি কারণ এই জীবনর কোনসি ভরসা নাই সতেজ ফুল আমি ভগবান কে আমি অর্পণ করিবা তেণু এসব কোন পাই হচ্ছে এই মন উপরে আমার নিয়ন্ত্রণ নাই মন আমার শত্রু এবে হচ্ছে কিন্তু আমি কোন চেষ্টা করিয়া মনকে কিপরি মিত্র করিয়া পাই তো পুনি মু আপনকে গোটে পিকচার দেখেবি প্লিজ ভগবদ গীতা আপনক পাখরে অছি যদি আপন এই পিকচারটা দেখন্তু আপন অ্যানসার দেবে আপন আড়ু ভুল লেলে কিছু ট্রাই করিবে সমস্তক এই পিকচার দেখা যাচ্ছে সরি ক্লিয়ার এই পিকচার আপনক বারে ভগবদ গীতা আছে যদি দেখন্তু এই পিকচার আপনক ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে এই পিকচার আপনক বারে ভগবদ গীতা আছে যদি আপন এই পেজ দেখন্তু আপন এথরে কোন দেখুচন্তি ঘোড়া পাঁচটি ঘোড়া যদি অফিসে কুছ লোক কা ওকে অর্জুন অর্জুন আসি জানদি কৃষ্ণ নাই মাতাজি এই এই পিকচারে না এই পিকচারটি যে জনে ব্যক্তি রশি ধরি রথরে ছিড়া আছে পছরে জনে বসি জন্তি পাঁচটি ঘোড়া আছে এই চিত্র মাতাজি কৃষ্ণ যেতবে অর্জুন দৌলে জ্ঞান সেটা সেই সময় না মাতাজি এটা অলগা মু আপনার বুঝেবি এবার কৃষ্ণ ভগবান অর্জুন জ্ঞান দৌলে তার ফটো ফাস্ট মাতাজি অছি দেখিনি কিন্তু মোর মো পাখে ভগবতী আছে সেটা বি মানে আমার এইটা মৌলিক নেই গোটে বছরে ন থাকে ভিডিও কেবল কৃষ্ণ পিকচার ন থাকে তেমন আপনার এইটা দেখুন থাকে দেখে আপনার মিউট করতু বহু সাউন্ড আসছে তো এইটি আপনার কুচি আপনার দেখে চেষ্টা যে পাঁচটি ঘোড়া আছে হরে কৃষ্ণ মাতাজি হরে কৃষ্ণ এটি ঘোড়া কু পঞ্চ ইন্দ্রিয় সঙ্গে বোধে প্রথমে দেখন্তু পাঁচটি ঘোড়া রয়েছে জনে সেথিরে রশি লাগিছি জনে ব্যক্তি রশি কু কন্ট্রোল করুছন্তি গোটে রথ আছে পছরে জনে ব্যক্তি বসিছি এ পিকচারে তো প্রথমে আমি দেখিবা এ পাঁচটি ঘোড়া কি
देखंतु ए घोड़ा जो चित्र सब आड़े से माने माने एपोर सेपोर भागिया पई चेष्टा करूछंती ए पांचोटी घोड़ा के एनी गेस जो माताजी फास्ट कहले पांचोटी इंद्रिय बहुत सुंदर पूजा रानी माताजी पांचोटी इंद्रिय आखी कान नाक जीभ त्वचा ए पांचोटी इंद्रिय ए माने सब बळ कोन चारियाडे धाईबा को चेष्टा करंती। सेकंड कोन आमे देखिबा रस्सी जोने व्यक्ति घोड़ा देह रे रस्सी लागिछि एई रस्सी जोने व्यक्ति हाथ रे एई घोड़ा देह रे रस्सी लागिछि जोने व्यक्ति रस्सी धरि छथिं तो एई रस्सी कोन एनी गेस मन मन वेरी नाइस प्रभु मन तो जो व्यक्ति हाथ रे रस्सी रहिछि से व्यक्ति जने को किए जो व्यक्ति हाथ रे मिनिच मन कहा कहा हाथ रे रहिछि रथ प्लीज आपकी म्यूट कर दिखते समस्ते पुणी आउ जने रहिले से पछरे बसी से बहुत भयभीत मध्य अछंती ए पछरे जे व्यक्ति बसी छि किए से होची कने गेस जीव रथी आत्मा राइट आत्मा आत्मा जीव आमे माने तो देखंतु पांचोटी घोडा रही छि से माने एपर सेपर भागिया पई चेष्टा करू छथि ए पांचो इंद्र पांचो इंद्र टी रिपीट कर दे आखी जीव हां आखी नाक कान जीव त्वचा आखि कान नाक जीभ त्वचा ए पांचोटी इंद्रिय तो ए पांचोटी इंद्रिय को मन रसी होची मन मन लगाम धरिछि ए मन को पुणी किए नियंत्रण करूची बुद्धि एवं ए शरीर रथ एवं आत्मा होची सेतिर सारथी बसी छथि तो ए देखंतु जदि ड्राइवर ठीक न हो रथर जदि गाड़ी रो चालक ड्राइवर जदि ठीक न अछि स्ट्रांग न अछि तो आपन को एक्सीडेंट होवार चांस अछि घोड़ा एपोर्ट से बड जीवार चांस अछि तो ड्राइवर को स्ट्रांग होवा पई पड़िबो अर्थात बुद्धि को हम को स्ट्रांग करबा को होबो फास्ट थिंग जदि आमे बुद्धि को स्ट्रांग करि परिबा ताहले मन को आमे नियंत्रण करि परिबा बुद्धि को किपर स्ट्रांग करि परिबा कोन सेति पई आपन को मार्केट रे विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी मिलिबार नै तो आम किप बुद्धि को स्ट्रंग कर बुद्धि की स्ट्रंग करने कौन जपरी आपण शरीर असुस्थ हेले आपण कौटा को जाती आपण हस्पिटाल जाती आपण शरीर असुस्थ हेले हस्पिटाल जाऊँच ठीक से हीपरी आमर जो आध्यात्मिक अर्थात एवं बुद्धि को आमको स्ट्रंग कर बुद्धि कौन स्पिरिचुअल करार अच्छे आध्यात्मिक करार अच्छे तो आमको भी हस्पिटाल जी पड़ो कि भौतिक हस्पिटाल नुहे आमको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हस्पिटाल जी पड़ो शिल प्रभुपा जी कहती जो इस्कन मंदिर मुझे बनई हूँ गोटे गोटे स्पिरिचुअल हस्पिटाल आपण को ट्रेनिंग दिया जीवो आपण मन बुद्धि इंद्रिय को किपर नियंत्रण करें तेणु आपण जिम जाऊंती हेल्थ को बॉडी को ठीक रखापी ठीक से हीपरी आपण जो आत्मा को किपर जन्म मृत्यु जराबिया चक्र रु उद्धार करें कि आपण स्पिरिचुअल को आपण को प्रगति करें आमको जीवाई कड़े पड़ो स्पिरिचुअल हस्पिटाल अर्थात प्रभुपा जी आम स्पिरिचुअल हस्पिटाल बनई से आम को तालीम प्राप्त हम आम किपर मन बुद्धि को नियंत्रण कर श्लोका नंबर 9 को आम जीवा श्लोका नंबर 9 हाँ श्लोका नंबर 9 रे भगवान कहते जो व्यक्ति समस्त मंगलकांत बंधु आत्मीय स्वजन शत्रु मित्र श्रद्धालु पुण्यकर्मा साधु पापी उदासीन मध्यस्थ आदि समस्त को समान दृष्टि देखे एवं समस्त प्रति समभावापन्न हुए से दिव्य चेतन लाभ दिगरे अधिक उन्नति करी बुझा को जो योगा रूढ़ अर्जुन मन में प्रश्न आसुच्छे आपण कले योगा रूढ़ अंतिम स्तर अटे तो किपर लक्षण किपर होता है तो सेटारे भगवान कहते से फास्ट से निजर मन को नियंत्रण करी थांती परमात्मा को प्राप्त करी थांती निज भीतरे
शांति को अनुभव करिथांती एवं गरम थंडा सुख दुख मान अभिमान एथिरे समान परिस्थिति रे से माने से समभावापन्न होइथांती एवं कंकर पत्थर सुना को समान भले देखिथांती एवं शत्रु मित्र को मध्य एका भले अर्थात से समस्त को समान अर्थात समदृष्टि रे समभावापन्न देखिथांती एवं श्लोक नंबर 10 रे जो आसन स्थान ध्यान कथा कहा जाय छि एवं एठारे सुंदर गोटे अनुवाद रे श्लोक प्रभुपाद लेखिले योगर प्रथम काम हैला सर्वदा कृष्ण कठारे मन को स्थिर रखिबा एवं सर्वदा कृष्ण को स्मरण करिबा उचित एको मुहूर्त को पाई सुधा तांकु भूली जीवा उचित नुहे जेते बेले आमे मन को भगवान कृष्ण टांकरे तांकर ध्यान करूचु तांकु स्मरण करूचु गोटे मिनिट भी आमे भगवान को कृष्ण चेतनारू आमे अलगा होना सेइटा ही प्रकृत समाधि ताग को भगवान कहबे एबे जो अष्टांग जग कथा कहउचंती जे तमे अर्जुन भक्त बनिया पई चाहुनो भक्ति जग रे कर्म करिया पई चाहुनो ठीक अछि तमे योगी बनी जाओ तो योगी कोण वास्तविक कोण योगी आम पई आज कल आमे जदि इमेजिन करबा आमको हरिनाम जप करने कहते टाइम ना भगवान को कथा श्रवण करने टाइम ना तो यही अष्टांग योग गोटे गोटे मार्ग कथा जो चिंता करवा असंभव ठीक से अर्जुन मध्य कथा कह आग को जो देखा पुणी एगार एवं बार नंबर श्लोक भगवान कहले सुचौदेश प्रतिष्ठा स्थिर मानस आत्मन चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासेन युज्यत् योग आत्म विशुद्धय अनुवाद शिल प्रोपान द्वारा शिल प्रोपान अर्थात आमे जो योगी आसन रे बसिबा ई आसन कि बळैतिबो तार प्लेस कि परियैतु एठारे भगवान कहउछन्ती योगाभ्यास निमन्ते व्यक्ति को एक एकांत स्थान को जीवा पई पडियो फास्ट कोन एकांत स्थान को जीवा पई पडियो आपण कटे गोटे इमेजिन करन्तु पॉसिबल कोन आम लाइफ पई कृष्ण चेतना इजी ना ए योग मार्ग फॉलो करिबा आम पई करिबा इजी आपण इमेजिन फास्ट एकांत स्थान को जीवा पई पडिबो सेकंड सेटारे भूमि उपरे कुश घास बिछाई ताकु कोमल वस्त्र किंबा मुर्ग चमर आवृत करिबा पई पडिबो फास्ट एकांत स्थान को जीवा पई पडिबो तापरे कुश घास उपरे कोन मुर्ग चर्म बिछेबा पई पडिबो मुर्ग चर्म उपरे कोमल गोटे वस्त्र रहिबो कोमल लोक पड़ा रहिबो तो आवृत कर आसन टी अति उच्च किंबा अति नीच हेबा उचित नुहे ना आसन टी उच्च हबो ना नीच हबो एहा एक पवित्र स्थान रे स्थापित हबा उचित एवं स्थान मध्य पवित्र होइथिबो योगी से आसन रे स्थिर भाव रे उपवेशन करिया उचित एवं तत्परे मन और इंद्रिय गुडी को संजोग करी हृदय को विशुद्ध करी एवं मन को एकाग्र करी योग अभ्यास करिबा उचित एठारे तेणु केपरि पंथा रहिछि जो फास्ट कोण एकांत स्थान को जीवा पाई पड़िबो कुश घास उपरे मुर्ग जो बाघ मुर्ग छाल बिछेया पाई पड़िबो तापर नरम कपड़ा रहिबो नाती स्थान टी अति उच्च हबो ना नीच हबो तुणी पूरा सीधा हवा पाई बसिबा पाई पड़िबो जो बेको मस्तक एवं जो पूरा शरीर कोण सीधा हेकि बसिबा पाई पड़िबो एवं स्थान कोण क्लीन हेइतिबो स्वच्छ हेइतिबो पवित्र हेइतिबो एकांत हेइतिबो एवं ध्यान कोण करिया पई मन इंद्रिय को नियंत्रण करिया पई पड़िबो भय को त्याग करिया पई पड़िबो एवं ब्रह्मचर्य रो पालन करिया पई पड़िबो ये होउची योग करिवार गोटे गोटे स्टेप यति की करले ही आमे योगास ने बसी पारिबा इधर भगवान कहउचंदी तापरे भगवान पुणी अर्जुन कहउचंदी एठारे अन्य श्लोक प्रभुपाद जी अनुवाद रे लेखिले कोळी जुगरे साधारण लोक अल्प आयुषु आध्यात्मिक साधना दिगरे अति मंद एवं सर्वदा नाना तापरे तापित अर्थात आम जीवन रे विभिन्न प्रकार समस्या आसी थाए तेणु ए कोळी जुगरे भगवान दिव्य नाम कीर्तन ही मुक्तिर एकमात्र पंथा
एतत व्यतीत अन्य पंथा नाही अन्य पंथा नाही अन्य पंथा नाही अर्थात वन सॉल्यूशन ही अच्छी आम पाखर कलयुग रे ना कि आम उपरे आमे मुर्ग चाल देखिबा एकांत जगह को जीवा पॉसिबल नु आम पाई इम्पॉसिबल जदि आमे भाबिबा किंतु आम पाई से पाई कलयुग रे चैतन्य महाप्रभु कोन हरि नाम हरि नाम रो आश्रय नेले सबु किछि संभव होइ जीव एते सबु करिवार आवश्यक नै एकमात्र पंथा अन्य पंथा नाही अन्य पंथा नाही अन्य पंथा नाही श्रील प्रभुपाद जी लिखिले पुणि आम देखा पुणी अर्जुन कहते कहतु ठीक अच्छे ये आसन रसी गले आप कहते सफलता के प्राप्त हे अर्जुन पचार आपण मन आम पाठ पढ़ुचे आम रेजल्ट तो आवश्यक ना समस्त मन रेजल्ट समस्त करेजल्ट के मिल भगवान तो भगवान कहते आपण को तुरंत रेजल्ट मिलना लंबा टाइम पाई अभ्यास करने पड़ो पुणी बहुत समय पर रेजल्ट मिल पुणी जोगी सिद्धि 8:15 जोगी सिद्धि मन किपरी होता है पुणी अर्जुन प्रश्न रोचे जे समाधि अवस्था कौन होता है समाधि अवस्था व्यक्ति जन कौन चिंता कराए समस्ते आत्मा समस्त भितर परमात्मा अच्छी से तार चिंताधारा थाए एवं से निज हृदय दिव्य सुख को आनंद दिव्य सुख अनुभव करिथाए एठारे तो एक्चुअली टाइम ही गलानी तेणु आम बहुत जल्दी जीवा 23 रे सुंदर स्टोरी गोटे अच्छी आमको शिक्षा बहुत से मिल हाँ 24 श्लोक आप देखते गोटे सुंदर स्टोरी रही श्रील प्रभुपाद जी आमको एग्जाम्पल दे स्टोरी देखिए बुझाऊंट स्वनिश्चयन युक्त योग निर्वन चेत साहा संकल्प प्रभावान काम्याम चोक्ता सर्वान सेत मनसौ इंद्रिय ग्रामम विनयम सनन्नत अनुवाद शिल प्रभुपा द्वारा शिल प्रभुपा दृढ़तार और अखंड विश्वास सहकारे व्यक्ति योग साधना निजुक्त होगा उचित से अहंकार जात समस्त प्रकार भौतिक कामना को त्याग करिया उचित एहिपरि भाव मनर समस्त इंद्रिय को सब दिगर संयत करिबा उचित तो देखु शिल प्रभुपाद सुंदर गोटे घर चटियार स्टोरी कहते जे आम सठली जीवा टाइम हो गलानी जे गोटे घर चटिया थिला से समुद्र कूल अंडा देता दिने जिते बड़े से खाद्य अन्वेषण में जाऊँ ये समुद्र ढे कौन य अंडा को समुद्र गर्भ को नहीं जाऊँगी जिते घर चटिया फेरुची देखुची तार अंडा ना तो समुद्र कहते हे समुद्र देवता मत मोर अंडा फेरे दिंत कि समुद्र देवता कौन सी रेस्पन्द ना तो से रागी जाए कहते जदि आप अंडा न फेरेबे मुझे समुद्र को सुखेदेवी देख जे घर चटिया कौन समुद्र को सुखे पार कि दृढ़ता ना मुद्र सुखेदेवी तेणु से प्रत्येक दिन कौन कला निज थोटू कि पा नहीं कूल पकाए प्रत्येक दिन मान दिन सारा से कौन कै गोटे तार कम तार निष्ठा मुखेबि तार दृढ़ता रही मुखेबि तो निज थोटू पा नहीं कूल रखुए जिते अन्य पक्षी मैंने देखु था बहुत हसुता कहते अरे ये तोर व्यर्थ प्रयास तू कौन गोटे गोटे छोट चढ़े तू कौन समुद्र को सुखे पारू ताप समस्ते हसु था कि कहला ना मो अंडा जदि समुद्र न देव मु समुद्र को सुखेदेवि पुणी जिते बड़े ये संवाद गरुड़ देवता पाख को जाऊँगी गरुड़ देवता शुणुंटे ये घर चटियार ये धर्ज एवं दृढ़ता देखि से बहुत खुशी हो जाऊँगी एवं से घर चटिया पाख को आसुच्च कहते कौन हो घर चटिया सबकि गरुड़ देवता आसी कहते हे समुद्र तमें घर चटिया अंडा को फेरे दियो ना मुझे समुद्र सुखेदेवि जीतु गरुड़ देवता विष्णु बाहन तो सी चाहिए समुद्र को सुखेदेवे तो समुद्र से कौन भय घर चटिया अंडा को फेरे दौर आम को शिक्षा देखु ये तीनोटी मेन जो तीन जनकर मेन भूमिका रोचे फास्ट कौन चढ़े घर चटिया सेकेंड कौन समुद्र थार्ड गरुड़ देवता आमको किपर शिल प्रभुपाद जी शिक्षा दौरान स्टोरी मध्यम फास्ट चढ़े सेकेंड समुद्र थार्ड गरुड़ देवता तो आपड़ किसी गेस्ट कर देखो आम जीवन रो समस्या
एक समुद्र भरी समस्या आज परिवार तरफ रु समस्या आज बिजनेस तरफ रु समस्या आज पड़ोसी आड़ आमको समस्या तो जदि आम चतुर्पार्श्वे देखा यह समस्या को जदि आकलन कर समुद्र भरी होइजिवो जदि आम जीवन समस्या को देखा देख आप गोटे गेस कर पारे ये चढ़े किए आपण किछ के गेस कर कि कहि परबे ठीक अछि भोले ले किछ प्रॉब्लम नै चढ़े किए आम मन आमे माने चढ़े होछु बहुत सुंदर राइट आंसर चढ़े होछु आमे समुद्र किए मु कहले समुद्र हमर समस्या हमर समस्या बहुत सुंदर माताजी प्रतिभा माताजी एवं गरुड़ देवता किए देखबे समुद्र भरी समस्या किंतु भगवान कृष्ण होंगे गरुड़ देवा सदृश गरुड़ देवता सहायतारे चढ़ेई कौन कला निजर अंडा को पाइला अर्थात जो लक्ष्य स्थल जो तार एम मोर अंडा दरकार गरुड़ देव सहायतारे आम पाइला ठीक से ही परी जो चंचल मन को नियंत्रण करिबा समुद्र पार करिया भली समान बहुत कष्ट ए चंचल मन को नियंत्रण करिबा किंतु जदि आमे भगवान कृष्ण को आश्रय नबा भगवान कृष्ण को हेल्प मागिबा भगवान कृष्ण को प्रेयर करिबा प्रार्थना करे हे कृष्ण मोर मन को आपण ए चंचल मन को आपण स्थिर करंतु आपण नियंत्रण करंतु मो हाथ में किछि नाही ए चंचल मन को आपण ही स्थिर करंतु जदि आमे हेल्प मागिबा तांकर सहायता नबा दिने दिने एपरि समय आसो आम निज को मन को आमे नियंत्रण करि परिबा तेणु भगवान अर्जुन कहउछन्ति जे मन को कंट्रोल करिबा बहुत कष्ट किंतु इम्पॉसिबल नुहे जे संभव करियबनी बोली नुहे पॉसिबल अटे यह कठिन मन को चंचल मन को आयत्त करिबा किंतु यह संभव अटे पुणी एठारे श्लोक रे हाँ गोटे 27 28 एक्चुअली टाइम हो गला आज आपन 10 मिनिट्स मते टाइम दे परे आमे नेक्स्ट कोन क्वेश्चन आंसर काली करिबा आपन 10 मिनिट्स मते टाइम दे परे जे कंप्लीट करि परिया ओके ओके थैंक यू माताजी तो समाधि रे देखो तो पुणी दुईटे स्टेज आसु जे भगवान कहउ चंदि मु शॉर्ट लेबी फास्ट आमको कोन आत्म साक्षात्कार करिबा पई पडिबो तापर परमात्मा साक्षात्कार होई जाय आत्म साक्षात जेपरि आपण गोटे घर को जिबे गोटे गेट थाए मेन गेट आपण पारेले पुणी घर रो गेट खुली आपण घर भीतर को जाई थांती ठीक सेही परि सन्यासी जो समाधि अवस्था रे आमको फास्ट कोन करिया पई पडिबो आत्म साक्षात करिबा पई पडिबो आपण को मध्यरो केही आंसर दे पारिबे आत्म साक्षात्कार रो अर्थ कोन आपण भीतर केही नुआ डिबटी उत्तम प्रभु जी आपण कहि परिबे आत्म साक्षात्कार अर्थ कोन मु किए भगवान किए भगवान सहित मोर संपर्क कोन से आउ आत्म साक्षात राइट तो प्रभु जी आत्म साक्षात रो अर्थ मु किए मु कौ ठारु आसी भगवान किए भगवान सहित मोर सुंदर तो आत्म साक्षात्कार प्रथम पड़ो जिते आत्म साक्षात्कार आम कर सारे पुणी आम कौन करवा परमात्मा साक्षात्कार होता है तेणु 23 रे भगवान कहते आम गोटे श्लोक नवा बहुत सुंदर श्लोक ये मेन पॉइंट श्लोक से मिस करने चाहूनी 34 चंचल हि मन कृष्ण प्रमादी बलवत्तम दृढ़म तस्यादहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम अर्जुन कौन कहते हे कृष्ण मो मन बड़ चंचल दुर्दांत उद्धत एवं खूब बलिष्ठ अटे यहाँ को दमन करिया मो विचार रे बाई को अटैकवा भाई अत्यंत कठिन बेपार अटे भगवान अर्जुन को कहते
ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା, ଗୁଡାକେଶ, ଅର୍ଥାତ ସେ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରାକୁ ସେ ଜୟ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କଣ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ବହୁତ କଠିନ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଣ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ସହଜ ହେବ? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଡାକେଶ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟ। କଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ସହଜ ହେବ? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଉଛି କିପରି ଆମ ମନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ମନର କିପରି ପରିଭାଷା। ସପୋଜ ଆମର ମନ କିଭଳି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଭଳି, ବନ୍ଦର ବାନର ଭଳି, ମାଙ୍କଡ ଭଳି। ମାଙ୍କଡ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସବୁବେଳେ ଉଥଲ ମତଲ ନଚିଥାଏ, କୁଦିଥାଏ, ଡେଇଁଥାଏ, ସବୁବେଳେ କେବଳ ମାଙ୍କଡ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମ ମନ କଣ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଭଳି, ବାନର ଭଳି। ଫାଷ୍ଟ ମନ ହେଲା ବାନର। ଯଦି ବାନରକୁ ଆମେ ନିଶା କହିଦବା, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ସେ ଆହୁରି ମତୁଆଲା ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ଡେଇଁବ, କୁଦିବ, ନାଚିବ। ଏବେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବାନର। ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଫାଷ୍ଟ ନିଶା ନିଶା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ସେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ଏପଟ ସେପଟ ଧାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ପରି ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ପୁଣି ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାକୁ କଣ ଭୂତ ଧରି ନେଇଛି, ସେ ଭୂତ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ପୁଣି ବିଛା କାମୁଡ଼ିଛି, ପୁଣି କଣ ଭୂତ ଧରି ନେଇଛି। ତାର ଭୂତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ଦେଇଥାଏ, ପୁରା ଉଥଲ ପୁଥଲ ମଚେଇ, ପୁରା ନୋ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ପୁରା ଉଥଲ ମୁଥଲ ମଚେ। ଆମ ମନ ବାସ୍ତବିକ ସେଇଭଳି, ଆମେ ଏଠାରେ ବସୁଛୁ, କଣ ମନ କେତେ ଆଡୁ ଘୁରି ଆସିବ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ। ଠିକ ଜପମାଳା ଧରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ମନକୁ ଚିନ୍ତା ଆସିଯିବ, ଆଜି କଣ କରିବାର ଅଛି, କାଲି କଣ କରିବା ଅଛି, କଣ ପ୍ଲାନ ଅଛି, ଇଏ କଣ କହିଥିଲା, ସିଏ କଣ କହିଥିଲା, ଆଜି ମତେ କଣ କାମ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି, ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ପୁରା। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଧାଉଁ, ପୁରା ଧାଉଁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ବାନ୍ଦର ବୋଲି, ମାଙ୍କଡ ଭଳି। ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଠିନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପସିବଲ ମାନେ ନୁହେଁ, ମାନେ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟାଇମ ଲାଗିଥାଏ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କିପରି ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯେପରି ତ ଯଦି 8:30 ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଜି କନକ୍ଲୁଡ କରିବା, ପୁଣି ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଯେ କେଉଁ ଯୋଗ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଭି ମାନେ ସମସ୍ତ ଯୋଗରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଯଦି ସବୁ ପାହାଡ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାହାଡର ଉଚ୍ଚତା କଣ ସମାନ? ସବୁ ପାହାଡର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ପାହାଡ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଜୟୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହଟ ଯୋଗ, ରାଜ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ? ଯେପରି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଆମେ ହିମାଳୟ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାହାଡ, ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ପାହାଡ। ତ ସେହିପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚରେ କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ରହିବ। ପୁଣି ଟପମୋଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିବିନି, ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବି, ଠିକ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ଵାରା କହିବି, ସବ୍ରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେନକାର ଋଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେନକାର ଋଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜିର ମେନକା କିଏ? ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ
ପୁଣି ଆମେ ସବ୍ରୀ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସବ୍ରୀ ମୁନିଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିବି। ସବ୍ରୀ ମୁନି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ତପସ୍ୟା କରିବି ତ ମୋତେ କେହି ନା କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବି। ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ସେ ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ମାଛ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ତପସ୍ୟା ଛାଡି ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କର 50 ଜଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଥିଲେ, ୟୋଗୀ ଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ସେ ସେଠାରେ କଣ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ, ତପସ୍ୟାକୁ ଛାଡି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ତ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା, କୁଆଡେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଁତୁ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତମକୁ ୟୋଗୀ ବନିବାର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ୟୋଗର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଭକ୍ତି ୟୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଯେପରି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଅଟୋମେଟିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୌତିକ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମାଟି ଖାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଦବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ଟେଷ୍ଟ ପାଇବ, କଣ ସେ ମାଟି ଆଉ ଖାଇବ? ମାଟି ଖାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ୟୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ଆମକୁ ଭକ୍ତି ୟୋଗର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ, ମୋ ପାଇଁ ତ ପସିବଲ ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ୟୋଗ ପସିବଲ ହୋଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ, ପସିବଲ ମୋ ପାଇଁ ତ ପସିବଲ ନୁହଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ସେଇପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଏତେ କୃପାଳୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଆମକୁ ହରିନାମର ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ସରଳ ପନ୍ଥାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରି ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ନା ତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଘର ପରିବାର ପିଲା ସବୁକିଛି ଆସକ୍ତି ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଇମାଜିନ ପସିବଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ୟୋଗୀ ବନିଯିବି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନିଯିବି, ବାସ୍ ଭକ୍ତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ୟୋଗୀ କିଏ, ବାସ୍ତବିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାର ସେ ଭାବୁଥିଲେ କେବଳ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ୟୋଗୀ କିଏ। ଆଜି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବବିନ୍ଦ କି ଜୟ, ନିତାୟ ଗୌର ଶ୍ରୀନାଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ସରି ଆପଣଙ୍କର 5 ମିନିଟ ସମୟ ନେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ। ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ମାତାଜୀ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉଥରେ ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ଫଟୋଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। କ୍ଲିୟର ମାତାଜୀ? ହଁ ମାତାଜୀ କ୍ଲିୟର ମାତାଜୀ, ହଁ ମାତାଜୀ ଠିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ ମାତାଜୀ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ କିପରି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମୁଁ କିପରି ବୁଝେଇବି, କାରଣ ବାସ୍ତବିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଆସେ ମତେ ନିଜକୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଇମାଜିନ କରିପାରେ ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କଣ। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୀତା ବହିଟା ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ଆମ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ରେ ମାତାଜୀ, ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ରେ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିନାଲି ମାତାଜୀ।
करियर करदेवे माताजी आपण जदि नवा पाई चाहू जदि पुष्पांजलि माताजी आपण कहिले गीतार कॉस्ट रहइबो 200 माताजी एवं 50 रुपीस करियर चार्ज रहइबो आपण को एड्रेस देले आपण को जो नंबर रे मीटिंग आईडी आसुची माताजी सेथिरे आपण को एड्रेस सेंड कर दियंतु सिमोली माताजी आपण को करियर पठाई देबे भगवत गीता जथारूप श्रील प्रभुपादंक द्वारा अनुवाद जो भगवत गीता तो आपन को जते मु क्लास भी कहिबे आपन को बहुत इजी रे बुझा पड़िबो हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी माताजी जो योग जो सात प्रकार कहितले सेटा अथरे रिपीट करथन कोन माताजी योग सात प्रकार यंग नियम आसन प्राणायाम आठ प्रकार माताजी फर्स्ट यम आपन लेखंतु माताजी मु कहूछु आज्ञा यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार परे ध्यान प्रत्याहार परे ध्यान ध्यान परे धारणा धारणा परे समाधि राइट माताजी देखिले माताजी सब आज्ञा धन्यवाद माताजी कोई ओडिया में चाहिए माताजी को पूजा रानी उनका नाम था हाँ पूजा रानी माताजी को चाहिए उनको ओडिया में चाहिए भगवद गीता माताजी आप प्लीज थोड़ा उनके साथ बात करिए उनको ओडिया भगवद गीता चाहिए आप सेंड करिए माताजी उनको करियर कर हरे कृष्णा श्रीमती माताजी यस माताजी हरे कृष्ण माताजी 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 को ओडिया में भगवत गीता चाहिए ओके पूजा रानी माताजी आपके पास मेरा नंबर है क्या मतलब इस फोन का नंबर है ये जिस नंबर पे क्लास हो रहा है यस 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 हाँ यस मैम है मेरा आईडी आती है ना वो इस कॉन का ही नंबर है मेरे पास रहता है एंड आप उस पे टेक्स्ट कर देना मुझे एड्रेस आप भेज दीजिए ऑलरेडी दो तीन डिवोटीज ने ऑर्डर किया है इस क्लास से आपको भी सेंड कर यस मैम अच्छा ये जो रिकॉर्डिंग है आपन को भीतर के ऑर्डर कर चंदी भगवत गीता प्रभुपाद कर भगवत गीता माता जी ये जो रिकॉर्डिंग है ये अभी हमें मिल सकते हैं मेरा क्लास कल मिस हो गया था तो यस यस अपलोड होना है माता जी मैं अपलोड होते ही आपको भेज दूंगी 2-3-4 का हो चुका है तो मैं आपको फटाफट भेज देती हूँ क्लास के बाद ओके आज्ञा हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानको थैंक यू श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय निताय गौ सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल प्लीज माता जी एंड करिए माता